हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का प्रॉब्लमेटिक सॉयल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत लेक्चर सेकेंड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉयल क्वालिटी और सॉयल हेल्थ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई किसी प्रकार की किसी टॉपिक में डाउट है या फिर आपको कोई टॉपिक पर लेक्चर चाहिए या किसी सब्जेक्ट से लेक्चर चाहिए एग्रीकल्चर संबंधित, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, हम जल्द से जल्द उस पर लेक्चर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉयल क्वालिटी। जैसा कि हमने पिछले पढ़ा था सॉयल के डिग्रेडेशन के बारे में पिछले टॉपिक में, तो सॉयल डिग्रेडेशन जैसे हुआ तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉयल क्वालिटी क्या होता है। सॉयल क्वालिटी के अंतर्गत पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें तो सॉयल क्वालिटी को डिफाइन किया जा सकता है कि एज द फिटनेस ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉयल टू फंक्शन विद इन द कैपेसिटी एंड विद इन नेचुरल अनमैनेज्ड इकोसिस्टम बाउंड्री। मतलब एकदम सिंपल भाषा में बात किया जाए तो मृदा की वह क्षमता जिससे कि वह यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पौधों और जानवरों की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किए हुए जल और हवा की शुद्धता को बढ़ाते हुए ह्यूमन हेल्थ को उसके साथ मनुष्य के रहन सहन को बैलेंस करे, तो ऐसी मृदा की क्षमता को सॉयल क्वालिटी के अंतर्गत रखा गया है। ये कार्लेन 1997 और आशीर्वाद एंड मार्टिन 2002 के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया था। मतलब सॉयल की वह क्षमता, मृदा की वह क्षमता जिसके अंतर्गत सॉयल जो है वह इस प्राकृतिक और जो ये पारिस्थितिकी बाउंड्रीज बनाई गई हैं, पारिस्थितिकी घेरा बनाया गया है, इसके अंतर्गत पौधे और जानवरों की प्रोडक्टिविटी को बनाते हुए और जल और हवा की क्वालिटी को इंक्रीज करते हुए बढ़ाते हुए उसके साथ ह्यूमन के हेल्थ को बढ़ाए और उसके हैबिटेशन रहन सहन को भी मैनेज करे, तो वैसी सॉयल को सॉयल क्वालिटी के अंतर्गत रखा गया है, उसे क्वालिटी सॉयल कहा जाता है। आगे बात करें सॉयल हेल्थ, तो सॉयल हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंटीन्यूअस कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू फंक्शन एज अ वाइटल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन सिस्टम। मतलब ये हम सॉयल हेल्थ मतलब ये कंटीन्यूअस कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू फंक्शन एज अ वाइटल लिविंग सिस्टम विद इन इट। मतलब हमारे जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंतर्गत यह जीवित जीव जैसा, मतलब कि लिविंग सिस्टम जैसा रहता है और फंक्शन करता है और इसकी कैपेसिटी हमेशा बहुत अच्छी रहती है, तो ये सॉयल हेल्थ के अंतर्गत आएगा। एंड लैंड यूज बाउंड्री टू सस्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होता है, इसके मदद से अगर सॉयल हेल्दी होगी या सॉयल क्वालिटी अच्छी होगी तो इसके मदद से क्या होगा कि इसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, जो जैविक उपजाऊपन है, वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहेगा और मेंटेन करेगा क्या, क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर को, मतलब जल और हवा के क्वालिटी को भी मेंटेन करेगा, उसके साथ प्लांट एनिमल और ह्यूमन, पौधे जानवर और मनुष्य के जीवन को, हेल्थ को इन्हेंस करेगा, प्रमोट करेगा, अच्छा रखेगा। ये डोरेन 1996 और डोरेन एंड जेस 2000 के द्वारा डिफिनेशन दिया गया था। सॉयल क्वालिटी और सॉयल हेल्थ मेनली एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है कि सॉयल क्वालिटी उसके क्वालिटी के बारे में, मतलब उसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है, और सॉयल हेल्थ जो है वह इसके स्वास्थ्य के बारे में बताता है कि मतलब मृदा की स्वास्थ्य क्या है, हम इसके बारे में क्या जानते हैं। आगे हम लोग बात करें कुछ कॉन्सेप्ट की, मतलब इसमें क्या क्या हम लोग को जानना है सॉयल हेल्थ में या सॉयल क्वालिटी में। तो कॉन्सेप्ट जो है सॉयल क्वालिटी का, यह बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं क्या, ऑल एवरी वन वी नो, हम लोग सभी जानते हैं कि गुड सॉयल नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड सॉयल एंड वेयर गुड सॉयल्स आर फाउंड। मतलब हम सभी जानते हैं कि अच्छी मृदाओं में क्या मिला होता है और अच्छी मृदाएं कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जैसा कि सॉयल की क्वालिटी को कुछ के हिसाब से क्वालिफाइंग सॉयल क्वालिटी इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेचुरल डिफरेंस अमंग सॉयल ऑर्डर्स एंड इवेंट बिटवीन द सेम सॉयल सीरीज इन फाउंड डिफरेंट प्लेसेस। क्या, जैसा कि माना जाता है या देखा जा रहा है
कि हर जगह की मृदा में थोड़ा बहुत अंतर है और बहुत कुछ मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग सॉयल की पूरे तरीके से सही से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता कि सॉयल के हेल्थ के हिसाब से हम उसका वर्गीकरण कर ले या फिर उसका बंटवारा किया जा सके या फिर उसके में अंतर हम लोग बताया जा सके। ये उसके और आगे हम लोग बात करें थोड़ा सा सॉयल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, तो प्रोडक्टिविटी इंडिकेट्स बेस्ड ऑन प्लांट अवेलेबल वाटर कैपेसिटी बल्क डेंसिटी एसिडिटी एंड फैक्टर्स फॉर प्लांट रूट डिस्ट्रीब्यूशन वर्डल। मतलब सॉयल की प्रोडक्टिविटी जो है वह डिपेंड करती है किस पर, क्रॉप प्रोडक्शन पर, उसके प्रोडक्टिविटी पर। मतलब कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसमें वाटर कैपेसिटी क्या है, उसमें उसकी जल क्षमता क्या है, उसकी बल्क डेंसिटी क्या है, उसकी एसिडिटी क्या है, मतलब एसिडिटी का मतलब अम्लीयता कितनी है, उसके साथ और कई कारक जिससे कि प्लांट के रूट का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लांट का ग्रोथ डेवलप करता है, प्लांट का ग्रोथ निर्भर करता है। ये सभी बातों को देखकर हम लोग सॉयल के क्वालिटी का निर्धारण किया जाता है कि सॉयल क्वालिटी को कैसे समझा जा सके। आगे हम लोग बात करें सॉयल इरोजन इफेक्ट और क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो सॉयल कितना वहाँ पर इरोज कर रहा है, कितना कटाव हो रहा है या फिर वहाँ की क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कितनी है, इस हिसाब से भी सॉयल का क्वालिटी चेकअप किया जा सकता है। उसके साथ बात करें हम लोग कई प्रकार के सॉयल के मैप्स का यूज करते हैं, सॉयल का नक्शा का यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन सॉयल की वर्गीकरण का अंतर स्टडी करते हैं, उसके बाद सॉयल सर्वे इंटरप्रेशन पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के जीआईएस मेथड का यूज करते हैं। जब ये सभी मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं उसके बाद ये सभी फैक्टर्स और जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इन सभी को देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग सॉयल के हेल्थ और सॉयल के क्वालिटी को फिक्स कर पाते हैं कि इस सॉयल की ये हेल्थ है, इस सॉयल की ये क्वालिटी है। ये सभी जो बिहेवियर है ये सभी एक डिफाइंड सिचुएशन के अंतर्गत देखी जाती है, मतलब एक निश्चित स्थिति के अंतर्गत इन सभी का चेकअप किया जाता है। अब हम लोग के पास एक बात आती है, क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड सॉयल क्वालिटी कॉन्सेप्ट, हम लोग को सॉयल क्वालिटी कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों है, क्यों? The address of problem is non-agriculture areas of soil. मतलब अनेक प्रकार की मृदाएं जैसे जिन पर खेती नहीं की जा रही है, क्या जिन पर खेती नहीं की जा रही है, जैसे माइन लैंड जहाँ पर पहले से खनन काम हुआ या फिर जहाँ पर शहरीकरण हुआ, जहाँ पर शहर के यूज है खेती नहीं हो पा रही, या फिर डिस्पोजल ऑफ अर्बन वेस्ट, अर्बन जो शहर का कूड़ा कचरा है उसका डिस्पोजल करना है, या फिर सॉयल का कंटामिनेशन हो रहा है, सॉयल में अनेक प्रकार के खराब चीज़ें मिल रही हैं, पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर औद्योगिक के वजह से जितने प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, तो इन सभी मृदाओं का जो इन सभी प्रॉब्लम्स का जो निवारण है हम लोग सॉयल क्वालिटी के अंतर्गत देखा जाता है। उसके बाद आगे जो है सॉयल के फंक्शन से है, जैसे एग्रीकल्चरल फंक्शन, अर्बन, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल, एस्थेटिक, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, मतलब खेती के लिए देखना है, शहर बसाने के लिए कैसी मृदा चाहिए, इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए कैसी मृदा चाहिए, रिक्रिएशनल बाग बागवानी उसके बाद सुंदरता के लिए कैसा चाहिए, एस्थेटिक मतलब पूजा पाठ के लिए कैसी मृदाएँ चाहिए, उसके साथ इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण में कैसी मृदा रहनी चाहिए, और वेस्ट डिस्पोजल हम लोग को कैसी मृदा पर वेस्ट डिस्पोजल करना चाहिए, ये सभी बातें हम लोग सॉयल क्वालिटी और सॉयल हेल्थ के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये सभी अच्छा इंडिकेटर्स इन सभी के लिए मतलब हम लोग को व्यवस्था करना होगा जिससे कि ये सभी एक बैलेंस में चले और हमारी मृदा को बैलेंस रखें। आगे हम लोग देखते हैं सॉयल हेल्थ के बारे में, सॉयल हेल्थ सॉयल क्वालिटी इंडिकेटर इन सॉयल हेल्थ असेसमेंट, सॉयल क्वालिटी का दर्शाना किसमें, सॉयल हेल्थ के अंतर्गत। सॉयल क्वालिटी इंडिकेटर्स टू इवैल्यूएट हाउ वेल सॉयल फंक्शन सिंस सॉयल फंक्शन ऑप्टेन कैन नॉट डायरेक्टली मेजर, जैसा कि हम समझते हैं कि सॉयल की जो क्वालिटी है, सॉयल की जो गुणवत्ता है, हम लोग इसे डायरेक्टली कभी भी मेजर नहीं कर सकते, इसे हम लोग सॉयल के हेल्थ के मदद से ही समझ सकेंगे। समझने के लिए हम लोग मेजरिंग सॉयल क्वालिटी इज एन एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाइंग सॉयल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम लोग सॉयल के गुणों के बारे में जानना होगा, उसमें उसका मैनेजमेंट करना होगा, उसे कोरिलेट करना होगा एनवायरनमेंट से, उसके बाद जितने उसके आउटकम्स हैं, कैपेबल्स हैं, प्रिसाइज हैं, अनेक प्रकार के तकनीक और इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स मतलब
आर्थिक रुकावट आती हैं इसे समझने में, जानने के लिए, तो इन सभी को हम लोग को देखना चाहिए फिर समझना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारी मृदा की गुणवत्ता बनी रहेगी और बनेगी और हम लोग सॉयल क्वालिटी के बाद समझ पाएंगे। आगे बात करें हम लोग सॉयल क्वालिटी इंडिकेटर्स में भी क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव भी हो सकता है, मतलब से सॉयल क्वालिटी को क्वालिटेटिव हो सकता है, मतलब वो गुणवत्ता वाला भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में ले हम लोग ड्रेनेज इज फास्ट, मतलब किसी जगह का जो पानी का निकास है वो बहुत तेज है, या फिर हम लोग कह सकते हैं दूसरा जैसे क्वांटिटेटिव भी होता है, मतलब गिनती लायक भी होता है, ना गिनने लायक भी होगा। जैसे इनफिल्ट्रेशन क्षमता जो है वो 2.5 इंच पर आवर, मतलब कि जो इस कह सकते हैं कि जैसे कोई मृदा है, हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि उस मृदा की इनफिल्ट्रेशन क्षमता जो है वो 2.5 इंच प्रति घंटा है, तो इस हिसाब से सॉयल क्वालिटी को भी क्वांटिटेटिव मात्रा में भी नाप सकते हैं और क्वालिटेटिव मात्रा में भी नाप सकते हैं। तो ये हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉयल क्वालिटी एंड सॉयल हेल्थ। उसके साथ हम लोग आते हैं देखते हैं इसकी कैटेगरी और इसका फंक्शन, क्या इसकी कैटेगरी और इसका फंक्शन, मतलब सॉयल की कैटेगरी सॉयल का फंक्शन। सॉयल की इंडिकेटर कैटेगरी में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मतलब इसके सॉयल क्वालिटी के अंतर्गत सबसे पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की, मतलब जितने भी पोषण तत्व हैं उसकी साइक्लिंग करें, एक चक्रीकरण करें, और चक्रीकरण करने से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करें, फिर दूसरे रूप से एक रूप में परिवर्तन करें। उसके बाद दूसरा जो है वाटर रिलेशन, क्या जल संबंध में, जल संबंध में देखा जाता है कि वो जल संबंध को, जल को अच्छे से मैनेज करे, बैलेंस रखे, पानी में मॉइस्चर की कमी ना होने दे, उसको कंट्रोल में रखे, ये सब बातें देखी जाती हैं। और तीसरा जो है वो बफरिंग देखा जाता है, सॉयल की बफरिंग। ये बफरिंग टॉपिक जो है हम लोग बाद में पढ़ा जाएगा या फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में बफरिंग पढ़ा होगा। ये ब्रॉड टॉपिक है इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये फंक्शन के बारे में हम लोग समझ ले रहे हैं कि सॉयल बफरिंग जो है यह केमिकल सॉयल केमिकल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, क्वालिटी के अंतर्गत आती है। बफरिंग का सीधा सीधा अगर बात करें मतलब है, तो बफरिंग का मतलब होता है कि किस एसिडिटी बढ़े या बेसिसिटी बढ़े किसी चीज़ का थोड़े मात्रा में, तो वह इसको बैलेंस रख सके। अगला जब फिजिकल क्वालिटी की बात करें तो फिजिकल क्वालिटी सॉयल की फिजिकल स्टेबिलिटी, मतलब भौतिक उसकी क्षमता बनाए रखने की। उसके बाद उसका सपोर्ट, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है। वाटर रिलेशन जल से संबंधित है। उसके बाद हैबिटेट, वहाँ का रहन सहन। अगला बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजिकल कैटेगरी में क्या क्या आता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में जो है वो बायोडाइवर्सिटी आता है, मतलब जैव विविधता, अनेक प्रकार की मृदा में जैव विविधता पाई जाती है, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया या फिर अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में जानना। न्यूट्रिएंट साइकिल, यही बैक्टीरिया सब मिल के क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट का चक्रीकरण करते हैं पोषण तत्वों का। उसके साथ फिल्टरिंग, मतलब जल सॉयल का साफ सफाई करना। जैसे केचुआ क्या होता है, खराब मृदा, कई कुछ प्रकार की मृदा मिली हुई जैसे कि ह्यूमस व्यूमस मिला हुआ, तो केचुआ खाता है, उसके बाद उस मृदा को साफ करके निकाल देता है। तो इस हिसाब से बायोलॉजिकल से सॉयल का साफ, तो ये हम लोग को पढ़ना था सॉयल क्वालिटी के अंतर्गत क्या क्या हम लोग क्वालिटी पढ़ सकते हैं। तो सॉयल क्वालिटी, और हमने पढ़ा रिलेटिव सॉयल फंक्शन। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये कैटेगरी में, वही जो हमने बताया बायोलॉजिकल फिजिकल केमिकल था, तो आप देख ही लिए। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी सॉयल, हेल्दी सॉयल के चरित्र क्या है। सबसे पहले होना चाहिए गुड सॉयल टिल्थ, सॉयल की अच्छी टिल्थ होनी चाहिए, मतलब सॉयल जुताई करने पर अच्छी टिल्थ प्राप्त कर ले जिसमें हम लोग बुआई कर सके और प्रोडक्शन अच्छा दे सके। सफिशियंट सप्लाई, वह सॉयल क्या करे, न्यूट्रिएंट्स की सफिशियंट सप्लाई करे, जो जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्लांट को न्यूट्रिएंट दे दे, ऐसा ना हो कि ये जिंक कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया सॉयल में, ये सब दिक्कत ना आए। अगर ये दिक्कत नहीं आएगा तब सॉयल को हेल्दी माना जाएगा। उसके साथ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट पैथोलोजन एंड इंसेक्ट पेस्ट, मृदा में बहुत ही कम मात्रा में प्लांट पैथोजन और इंसेक्ट पेस्ट होने चाहिए, मतलब रोगजनक और कीट उसमें जो होने चाहिए बहुत कम होने चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, अच्छे ऑर्गेनिज्म जैसे केचुआ है या फिर कहा जाए बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम वाइजोबियम, तो ये सभी बैक्टीरिया का या फिर अच्छे जीवों की पॉपुलेशन सॉयल में ज़्यादा होने चाहिए।
अगला लो वीड प्रेशर, घास फूस की मात्रा, खरपतवार की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए मृदा में। ये सभी सॉयल के हेल्दी, सॉयल के हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक चरित्र को दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में बस इतना ही कि सॉयल क्वालिटी क्या था, सॉयल हेल्थ क्या था और सॉयल क्वालिटी और हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई टॉपिक में अगर डाउट है या फिर आपको कोई और लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, हम जरूर से जरूर उस पर लेक्चर बनाएंगे। उसके साथ ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस।